अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैक अगेन विद अ न्यू। डिस्कस करेंगे फिजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की जो फाइनल मेरिट लिस्ट, फर्स्ट इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है, इसके बारे में। इसमें किस रैंक पर एग्री मेरिट स्टॉप हुआ है, क्या इसमें नेक्स्ट कॉल्स आएंगी बच्चों को, नेक्स्ट एडमिशन ऑफर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो रिलेटेड टू एडमिशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ फिजाइया की जो इनकी लिस्ट लगी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट फाइनल, उसकी तरफ। ये मेरे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जो आज कुछ देर पहले इनकी वेबसाइट पर लगी है। इसके अंदर देखते हैं कहाँ से मेरिट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर स्टॉप हो रहा है। 95.5712 से मेरिट स्टार्ट हो रहा है और इनका जो क्लोजिंग मेरिट इस लिस्ट के अंदर नज़र आ रहा है वो 90.1438 है। मीन्स कि इस रैंक तक के बच्चों को कॉल्स आई थी, इन्होंने फीस सबमिट करवा दी, इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी फाइनल। इसके अंदर अब काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर हमें ये बताएं इसकी कोई नेक्स्ट लिस्ट लगेगी, नेक्स्ट कॉल्स आएंगी बच्चों को नहीं आएंगी, क्या सीन होगा, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आप देख सकते हैं 74 स्टूडेंट्स की इन्होंने लिस्ट लगाई जिसके अंदर यहाँ पे मेरिट हो गया क्लोज। फ़ौरन की इनके पास दो सीट्स फिल हुई हैं, क्योंकि फ़ौरन की इनके पास मेरे ख्याल में 10 सीट्स हैं और उसमें सिर्फ दो सीट्स सेलेक्ट हुई हैं। अब ये जब जो ही फ़ौरन की सीट्स को ओपन मेरिट की सीट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो 6-7 सीट्स और इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, 6-7-8 तक सीट्स और भी इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि दो इधर हुई हैं। बाकी इनके पास 10 पेइंग कैंडिडेट्स की होती है, इनके पास टोटल 100 सीट्स हैं, तो इस तरह से इनके पास सीट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब इनके पास सीट्स नेक्स्ट इंक्रीज़ होंगी तो अब 90.14 है तो 90% तक, 90.01 90.02 तक इनका मेरिट फर्दर डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन ये अभी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनकी सीट्स जो ही फ़ौरन की इसके अंदर कन्वर्ट होंगी तब इनके चांसेस हैं कि इनका ये कन्वर्ट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।